नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी घटना आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत, और कहीं ना कहीं ये कहेंगी कि हैवानियत की जो दर्शाती है कि आखिर कोई कैसे ऐसा कर सकता है कि अपनी ही पत्नी का गर्भपात करवाने के लिए 6 महीने की जो गर्भवती थी उसे नशीली दवाएँ देता रहा। वो व्यक्ति 2 साल पहले विशाली नाम की एक युवती की शादी हुई है और 25 साल उसकी उम्र है और आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। बताना चाहेंगे, मामला जो है पुलिस चौकी पौनीचक के अंतर्गत आता है और ये मामला जब हमारे तक पहुंचा, हमने पूरी यानी जो जांच की, जांच के बाद हमें पता चला कि पूरी जब बात हमारे सामने आई, हमने विशाली की माता जी से जब बात की तो पूरी बात हमारे समक्ष आई कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। विशाली की शादी हुई थी, शादी जो की थी ये बताया जा रहा था कि लव मैरिज हुई थी और 2 साल पहले शादी हो चुकी थी। विशाली को ऐसा ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा था उसी के पति द्वारा, और उसके बाद अगर बात करें तो विशाली 6 महीने की गर्भवती हो गई थी और पति जो था गर्भपात को करने के लिए लगातार उसे प्रताड़ित करता था और ऐसा ऐसा उसे दवाइयां ऐसी देता था जिसके चलते विशाली की तबीयत खराब होगी। और उसके बाद वो जब उसे पता चला कि वो गांधीनगर अस्पताल एडमिट है, उसकी माताजी को संपर्क किया और माताजी जब वहाँ पहुँची तो विशाली काफ़ी उसकी तबीयत खराब थी। उसी दौरान जब पति को पता चला, पति के घर वालों को पता चला, उन्होंने सलाह सफाई से विशाली को फिर से कहा कि हम घर ले जाते हैं। विशाली की माँ को कॉन्फिडेंस में लिया और घर ले गए। उसके बाद विशाली की बुरी हालत हो गई है। आज विशाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। क्या ऐसा समाज में हो रहा है? आखिर क्यों ऐसा समाज में हो रहा है? हम दूसरों की बहन बेटियों को क्यों फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्यों उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं? ये कहानी आप सुनेंगे, आप भी डर जाएंगे, लोग डरेंगे कि आखिर बेटियों की शादी अगर हो तो उनका जीवन साथी अच्छा हो जो उनकी इज्जत करे, उनकी कदर करे, ना कि उन्हें फॉर ग्रांटेड ले। चलिए विशाली की मदर से हम बात करते हैं कि आखिर कब शादी हुई थी। बताया जा रहा था कि 2022 में शादी हुई थी, 2 साल हुए थे अभी शादी हुए और विशाली का ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। किस तरह से उसे जहरीली दवा दे दी गई। हेलो हेलो, हाँ जी, विशाली की मदर बोल रही है। हाँ जी, हाँ जी मैडम, आपको इस समय लाइव हमारी जनता सुन रही है। आखिर क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। विशाली आज जिंदगी और मौत की लड़ाई क्यों लड़ रही, क्यों उतनी उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, पूरी बात बताइए। आप डोगरी में बोलो तो डोगरी ची बोलो, तो अगर डोगरी बोलना चाहते हो कदूरी का ब्याह या के होया, पूरी गल सुनायो। हाँ जी मैडम जी, बेटी का ब्याह होया 2022 च। जी 2022 च ब्याह होया, तो फिर मुड़ा साढ़े को ले गया। के नाम मुड़े का दसो जी? मैं मुड़े का नाम मैडम जी वरुण सैनी। जी जी, ये कुधर रहने वाले हैं? ये अकलपुर सरोड़े। जी जी, सरोड़े रहने वाले। ठीक है, तो तुम कुधर दे रहने वाले हो? हां जी, सरोड़े दे रहने वाले ने। तुम कुधर दे रहने वाले हो मैडम? अस मैडम जी रापुर दे रहने वाले हैं। ये पौनी चक्की च पौंदा है? हां जी पौनी चक्की च पैंदा। ठीक है, 2020 दी शादी होने के बाद की होया दसो मैं पूरी गल। 2022 च ने ब्याह किया मैडम जी, फिर ये कुड़ी दी पिछले साल 7वें महीने साढ़े कोलू ले गया। जी 7वें महीने ले गया, प्लस 1 महीना साढ़ी कुड़ी कने गल होंदी रही, उसके बाद इन्हें साढ़े नंबर ब्लॉक करी ओड़े। जी जी, ब्लॉक करी ओड़े, फिर बच्ची दी टॉर्चर करता रहा। इन्हें बच्ची दी बिल्कुल अपने अंदर रखिया, अंडर विच रखिया, ताला मारिए जाना, जिथे जाना बच्ची दी अंदर डकिए जाना। उस तो बाद फिर उन्हें पिछले महीने बच्ची का 5 महीने का बच्चा ही, इस मुड़े ने नशीलियां दवाइयां खिलाई है, कोई बड़ी जहरीली दवाई खिलाई है, कुड़ी दे हाथ पैर बन्नी है, ते इन्ने बच्चे दी मारी उड़िया पेट विच ही। मतलब घर ही ची खिलाई जहरीली दवाई? हाँ, घर ही ची, जिधरे कमरे विच रहिंदा, जिधरे कमरे विच रहिंदा रेंट पर, उधर ही इन्हें दवाई खिलाई है ते कुड़ी दी मौत मुंह दे विच सुट्टी है, ये मुड़ा उधरों नट्टी गया। मतलब अपने घर नहीं रहिंदा, अपने मां-प्यो कने अलग कमरा लेगा? ये जंदा ही, ये जंदा ही घर, लेकिन इसने बच्ची दी साडे कने कनेक्ट नहीं होण दित्ता। अच्छा, ठीक है। पिछले अगस्त महीने बच्ची दी मेरी गल हुई, उस तो बाद मेरी बेटी कने कोई इन्हें गल नहीं, इहदे साडे नंबर अगर अस फोन करचे ते ये मुड़ा सानू मारने दिया और मर्डर करने दिया धमकियां दिंदा कि मैं तेरे बेटे मारी, उन्हें सानू धमकियां गै दिंदा रहा। अच्छा, फोन पर। जी, उसके बाद फिर असें अपनी इज्जत सोची, असें आखिया चलो सुखी रहन। जी, फिर हून इस मुड़े ने बच्ची दी नशीली दवाई खिलाई है,
ते बड़ी बेरहमी कन्नै बच्चे दी मारी और बच्चे दी कच्चू कन्नै उहदा नाड़ू बड्डी है ते बच्चे दी जिहड़ी लाश है उत्तर वैनी इन्हें जंगल दे बिच है दबी दी जी है उत्तर वैनी आली साइड पलमंडर आली साइड। इतनी दरिंदगी। हाँ जी इतनी दरिंदगी। फिर इन्हें बच्चे दी उत्थे छड्डी ओड़िया मेरी बच्ची मिगी नहीं पता बड़े मुश्किल मेरी सिस्टर नहीं जरा गर्भपात होया घर ही होया या अस्पताल ही जाइए कराया घर विच अच्छा, घर ही होया उसके बाद कुड़ी की तबीयत खराब हुई तो गांधीनगर हॉस्पिटल ले गए गांधीनगर मैम जी गुड़िया पूजी फिर ये बड़े मुश्किल पे मिगी नहीं पता ये बेटी मतलब आपे ही बच्चे की दफनाई आया उत्थे तो दरवानी जाइए आपे ही दफनाई आया और कुड़ी दी मौत दे मुंह विच उत्थे सुट्टी है फिर इन्हें कुड़ी चुकी सरवाल हॉस्पिटल लेती जी उत्थे पता नहीं इन्हें चार दिन कुड़ी रखी मिगी उस चीज का कोई पता नहीं उदे इस कुड़ी को ले भी जंदा रहा एदे दोस्त है एक कुड़ी है जानवी राजपूत अकलपुर दी जी ओ कुड़ी एदे कन्ने मिली दी है जंगती इन्हे एक हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल दे विच इन्हे 50,000 दी इस कुड़ी ने गल कीती के बच्चे दा आवाशन उत्थे करवाना जिस टाइम उथू मेरी बेटी नठी गई इन्हे परतियै विच कुड़ी गड्डी दे विच पाई लॉक करी ओड़ी गड्डी और इन्हे कुड़ी दी नठन नहीं दिता जे हिसाब दी बेटी ने मेरी पूरी गल मिगी सुनाई है। ओह माय गॉड। गांधीनगर हॉस्पिटल फिर मैम होरे मिगी फोन कीता मेरा नंबर लेता पुन चक चौकी तो मिगी फोन आया उस तो बाद फिर मैम हुंदा मिगी फोन आया मैं गांधीनगर हॉस्पिटल पुजी उथे 6 दिन बेटी रही है जी जी। फिर मैम जी इंदे दादा इंदे रिश्तेदार आई गए भला तुस एक बार कुड़ी भेजो जी जी ते मैम जी मैं आसा सीधे साध के लोग बिल्कुल हसनी इन्ना पता नहीं है कि आज के खर्चे सानू इन्नी नॉलेज नहीं है रो नहीं तुसे रो मैं समझ सकनी तुंदी कंडीशन इसलिए तुसे एक माँ हो और तुसे रो नहीं है इन्हें सानू फसाया गुमराह किया कि आज थोड़ी बच्ची थी पूरी लेने हैं एक तो चाचा है राजू सैनी जी जी एक तो दादा है उनका मैं नाम नहीं जानती इन्हें और 2-4 बंदे आए कोई 10 बंदे आए इन्हें सानू उधर गांधीनगर आनी है बिल्कुल तो सिंजा नहीं करो तो साढ़े पर एफआईआर नहीं लाओ ते तुहाड़ी बच्ची साड़ी बच्ची है। फिर मैं मैम कोल गई असे मैम दी भी गल कीती मैम ने आख्या कोई गल नहीं दा फैमिली मैटर है एक बार अस इन दी दसी ने आ दिखने आ भला ये बच्ची कने के बिहेवियर करदे बिल्कुल बिल्कुल मैम ही मैम जी इनकी इज्जत रखी मैं आख्या चलो बच्ची उठे गा बसानी है बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਵਿਆਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੋ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਇਹਨੇ ਦੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਏ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ ਜੀ इन्हें बच्ची मेरी लेती गड्डी च पाई है मैं बच्ची मैम ही गई मेरी बड़ी बेटी गई अस गए सारी इंदी जेड़ी मुड़े दी मम्मी है मदर है उन्दे घर गए अस बच्ची छड्डन इन्हें साढ़े कन्ने बड़ा शैल मैं बैठी अस कोई अद्धा घंटा इंदे घर विच बैठे बच्ची असें छड्डी आए ठीक है उस तो बाद फिर बच्ची कदे कदे मेरे कन्ने फोन पर गल करदी ज्यादा ही गल नहीं कन्न देंदे अंदर डकिया रखदी इहदी सस जी ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੀ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਲੱਸ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰਾਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਸ ਆਖਦੀ ਰੋਕਦੀ ਟੋਕਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਿਗੀ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆਖਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਾ ਮੰਮੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾ ਦਾ ਆਣੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਕੁਝ ਇੰਜਾਂ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਾ ਔਰ ਮਿਗੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੰਮਾ ਮਿਗੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੂ ਸੈਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਮੈਮ ਜੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਫੋਨ ਪਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲੈਤੀ ਦੀ ਹੈ
तो फिर लेने क्यों आए थे कि किस जिम्मेदारी उते लेना आए कुड़ी? हां मैं उन्हें दी आख्या, मैं आख्या तुसे बच्चे जिम्मेदारी बच्चे दी तुसे दसन नहीं लिया दे। फिर सोमवार डॉक्टर ने बुलाए दा हा, डॉक्टर नरेश सर और ने बुलाए दा हा कि तुस बेटी दी दसन आना इथे ओपीटी विच गांधीनगर। जी जी बिल्कुल। इन्हें बच्ची दी बिल्कुल नहीं दसी, अंदर डकिया रखिया जी। और एदी सास दा, एदी सास ने पता नहीं केड़े केड़े केमिकल इस बच्ची दी उस दिन दे ओह खला देन रोटी विच पाई है। My God. किन दिन मेरी बच्ची कने बलात्कार होंदा रहा, मतलब घर ले जाने दे बस लास्ट वाई करन दे बाद ले गए बाने कने ते बलात्कार कर दे रहे बच्ची कने। हां जी हां जी मेरी बच्ची। लानत ऐसे लोगों के ऊपर। इस टाइम मेरी बच्ची मौत दे मुंह विच है कि मुझे नहीं पता है ने केड़ा केमिकल ने कोई जहरीली दवाई खिलाई परसों शामी जी। जिस टाइम मुझे इंदा फोन आया फिर मेरी बच्ची दी गल होई, मैं आके बच्चे के गल है, बोलदी मम्मा मेरे कने कुछ अच्छा नहीं हुआ था, मम्मा तुसे से जल्दी पूछो मेरे कने कुछ नहीं चंगा हुआ था, मम्मी मेरे कने कुछ नहीं चंगा हुआ था, मिगी नहीं समझ आ रही के हुआ था के नहीं हुआ था। मगर इन्हें मिगी बिल्कुल नहीं सुनाया कि असें बच्ची दी जहर दे उड़िया और बाल्टी ने बाल्टियां पानी सुट्टा दी, बच्ची पुंजा लम्मी पे दी लटाई दी बेहोशी दी हालत विच। जिस टाइम मैं गई ने एक डॉक्टर बुलाया, वो डॉक्टर उसका बीपी शीपी चेक करा दा हा। फिर उस डॉक्टर ने बोलिया कि तुसे जल्दी जल्दी इस कुड़ी दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। इस टाइम मेरा बेटा, मैं भी पुजी गई, मैं भी पुजी। सुनो सुनो, ये जेडी सारी हालत दी ससुराल विच हुई है? ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਦਾ, ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਦਾ, ਇਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਵਰੁਣ ਸੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਦਾ। ਮੈਮ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ? ਮਿਲਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ अस दुआ करने हैं। सुनो सुनो मैडम, अस दुआ करने हैं, माता रानी करे रब करे थोड़ी बच्ची बची जाए। पर तुहानू एक गल सुना चाहिए, असें राती एसपी ब्रिजेश जी है रूलू उनके कने गल की है और चौकी जड़े इंचार्ज हैं विजय जी, वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है 307 अटैम्प टू मर्डर ते 376 यानी रेप केसेज की एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर नंबर है 135/2024। ये बड़ा वाला पुलिस ने बड़ी अच्छी अपनी कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है सेक्शन आईपीसी 307-376 के तहत। तो तुम फिक्र मत करो, यही प्रार्थना करो कि बच्ची बची जाए, वो स्टेबल हुई जाए, बाकी जो गलत किए गए उन्हें जरूर सजा मिले। मैम इन्हें सजा मिलनी चाहिए, मेरा यही इंसाफ है, इन्हें सजा मिले। मैं सारे का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहनी हूं कि सारे आए राती, सारे मेरी फरियाद सुनी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਸੱਚੋ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ, ਮੈਮ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੇ ਵੂਮਨ ਸੈਲ ਦੀ ਮੈਡਮ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਨੇ ਰਾਤੀ ਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਾਥ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਐਸ ਪੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫ ਆਰ ਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਪੁੱਜੀਏ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ, ਇਹ ਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਕੀ ਮਦਰ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, किस तरह से हैवानियत की गई एक बच्ची के साथ जिसकी उम्र 25 साल है, विशाली उसका नाम है। उसकी माता ने पूरी आपको कहानी बताई है, इस समय ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। हमने पहले ही कहा था हम जम्मू से दूर, आउट ऑफ जम्मू है, उसके बाद भी हमें जब कॉल आया हमें नहीं रहा गया। हम शुक्रिया करते हैं एसपी ब्रिजेश जी का, माता जी हैं इनकी लड़की की, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की रहने वाली हैं, इन्हें नहीं पता कहां जाना क्या करना। रात को जब हमने 1 से 1.5 बजे तक जब इनसे बात की, पूरी बात की, हम एसपी ब्रिजेश शर्मा जो हैं, जो रूरल एसपी हैं, हम उनका शुक्रिया करते हैं, उन्होंने तीव्र तक अपनी जो कार्रवाई दिखाई है। उसके बाद हमने कॉल किया जब विजय जी एसएचओ, तुरंत उन्होंने रात को आईओ 2 बार 3 बार वहाँ आईओ विजिट कर चुका है, एसएचओ वुमेन सेल है मनदीप कौर जी, हमने जब उनसे बात की वो पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँची हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। हम शुक्रिया करते हैं पूरी पुलिस टीम का, हर इन सब अधिकारियों का जिन्होंने कम से कम हमारी बात पर विश्वास किया, उस बच्ची की दुर्दशा देखी जाकर, और अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये बड़ा एक उपलब्धि है कि ऐसे लोगों के
खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि वो बच्ची जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है इस समय। और FIR नंबर है 135/2024 और सेक्शन है 1307/376 IPC के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं निष्पक्षता से जांच होगी और जो वाकई दोषी पाए जाते हैं उन्हें सजा मिलेगी। पर उससे भी ज़रूरी बात है कि आप भी प्रार्थना कीजिए कि विशाली की ज़िंदगी बच जाए। विशाली बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन में है, 6 महीने की गर्भवती। हमारे पास जो तस्वीरें हैं, हम अपनी जनता को वो तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे, विचलित कर देने वाली हैं। किस तरह से उसका गर्भपात किया, 6 महीने का बच्चा नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, और खुद ही उस व्यक्ति उस जालिम ने नाड़ू काटा जो कि डॉक्टर काटते हैं, और खुद ही बच्चे को ले गया वहाँ पर उत्तर बैनी, जिस तरह से विशाली की माँ ने बताया। वो तस्वीरें आप देखेंगे, आप के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। कितना दर्द उस बच्ची ने सहा होगा जिसके सामने उसका बच्चा ज़मीन पर पड़ा हुआ है, 6 महीने का बच्चा। और आप जानते हैं 6 महीने के बच्चा तो हलचल भी होती है, वो जीवत उसमें जान आ जाती है माँ की कोख में। उस माँ ने वो दर्द तो सहा, खून से लथपथ पड़ी रही और फेंक कर चला गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है हमारे जम्मू के पोनीचक से। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं आप अपनी पत्नी को वो सम्मान दे पाते, नहीं आप पत्नी को इज्जत दे पाते, नहीं आप पत्नी का ध्यान रख पाते, तो साफ तौर पर कह दीजिए, उसके माता पिता के हवाले कर दीजिए। माँ बाप लाख बुरे सही, लाख कठोर सही, पर अपने बच्चों पर जापता बाती आती है, माता पिता पीछे नहीं हटते हैं। पर ये कैसे लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारी भी बहन बेटियाँ होंगी। अपने ही बच्चे को कोख में मार देना, वो भी जहरीली दवाई देकर, और बच्ची के साथ जब बच्ची हॉस्पिटल में थी, घर में गर्भपात किया गया, उसके बाद गांधीनगर हॉस्पिटल में उन्हें भेजा गया। उस लड़की का 2-3 दिन वहाँ रही है, डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उसका इलाज किया, उसके बाद घर वालों को लगा पे आप तो परेशानी से आपा पड़ जाएगा। चलिए ससुराल वालों ने माँ को भी कॉन्फिडेंस में लिया, बच्ची को हम बड़े बुजुर्गों को भेजा कि चलिए, लड़के के दादा को भेजा कि हम लड़की को अपने घर ले जाएंगे, ठीक रहेगा। शायद वो समय को टालना चाहते थे कि लड़की को किसी तरह से उसकी जान ली जाए। फिर लड़की जब घर जाती है, उसके साथ ना जाने कौन बलात्कार करता है, लगातार 3 दिन बलात्कार होता रहा है। और जब लड़की को ये बताया जा रहा है, लड़की की माँ ने जिस तरह से हमें बताया, और नशीली दवाएँ उसे दी जा रही थी, जहरीली दवाएँ दी जा रही थी, साथ में उसका बलात्कार भी किया जा रहा था, यानी शारीरिक शोषण भी उस बच्ची का किया जा रहा था। खुद बताइए, हमने फिल्मों में देखा होगा, क्राइम पेट्रोल में ऐसी चीज़ें देखी होगी, अब ये सरेआम सामने हमारी ज़िंदगी में सामने ये चीज़ें हो रही हैं। लानत है ऐसे लोगों पर, ऐसे परिवार पर, कि जो किसी की बच्ची को इस तरह से उसके साथ निर्मम व्यवहार करते हैं, इस तरह से दरिंदगी दिखाते हैं। अरे नहीं अक्ल संभाली जाती, उसे बोल दीजिए कि जा तू, पर किसी की जान लेने का आपको अधिकार नहीं है, वो भी उसकी जिसके आप आपका खुद का बच्चा है, आपके घर का वंश है, वो जो भी था लड़का या लड़की थी, आपने किस तरह से उसे पेट में जहरीली दवा दे दी और खुद ही आप डॉक्टर बन बैठे, किस बुरी तरह से उसका गर्भपात किया होगा। और हमने वो तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे, हम नहीं दिखा सकते क्योंकि फेसबुक वायलेशन करता है, आप रोएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। जब हमने भी वो तस्वीरें देखी, हमसे भी नहीं बर्दाश्त हुआ और हमने बीड़ा उठाया। हम जरूर इस केस को अंत तक इस परिवार का साथ देंगे, इस बहन का, इस बेटी का साथ जरूर देंगे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे FIR दर्ज हो चुकी है। अब खैर नहीं उन लोगों की जिन लोगों ने भी विशाली को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की है। 307/376 IPC के तहत 135 FIR नंबर है, /2024 के तहत मामला पोनीचक चौकी में दर्ज हो चुका है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, शुक्रिया करेंगे SP ब्रिजेश शर्मा जी का, चौकी इंचार्ज विजय जी का, जिन्होंने तीव्रता से हमारे फ़ोन कॉल पर कार्रवाई करते हुए उस बच्ची की अल्टीमेटली FIR दर्ज हो चुकी है। और थैंक यू करते हैं, शुक्रिया करते हैं विमेन सेल का, जब हमने रात को कॉल किया, हमें कुछ नहीं सूझा क्योंकि लेट नाइट हो गई थी, वो पूरी टीम के साथ अपने जो वहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुँची है, उन्हें संवेदना दी है, उन्हें सहारा दिया है, उनकी परेशानी को समझा है। फिलहाल अपनी जनता से ज़रूर कहेंगे, इस वीडियो में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, क्या ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानगी क्या कोई इंसान कर सकता है। जो भी इसमें संलिप्त हो गए, हम जरूर पुलिस के आला अधिकारियों से कहेंगे, SSP जम्मू बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं, उनसे जरूर कहेंगे इस केस को प्लीज सर इंटरवीन कीजिएगा। एक बेटी का, एक बहन का सवाल है, उसकी गरिमा का, बल्कि पूरी महिला और जात की गरिमा का सवाल है
कि क्या औरतों के साथ क्या इंसान नहीं थी वो, जब आपने उसका खुद ही घर में गर्भपात किया, बच्चा ज़मीन पर पड़ा हुआ था, बच्चा डेड पड़ा होता ज़मीन पर, खून पूरी पूरे ज़मीन पर था, वो बच्ची को छोड़ के उसी हालत में ब्लीडिंग हो रही है। उस बच्ची ने हमें भी कॉल किया था, हमने उसे कहा था आप कंप्लेन दीजिए, पर उस बच्ची की हालत नहीं थी कि वो पुलिस स्टेशन तक जाकर कंप्लेन दे देती। जी मुकेश जी, कैसे हैं आप? अपनी जनता राय ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो को इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये एलजी मनोज सिन्हा जी तक पहुँचे, डीजीपी जो आरएस वेन है वो भी इस पर संज्ञान लें, एडीजीपी जो हमारे अनंत जैन सर हैं बड़े ही अच्छे काबिल ऑफिसर हैं वो भी इसका संज्ञान दें, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों चाहे वो कोई भी रसूखदार हों, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये ना सोचें कि अपने पैसे के दम पर किसी भी बहन बेटी के साथ आप गलत करेंगे, किसी की भी बहन बेटी को आप मौत के मुँह में डालेंगे। ये जरूर कहेंगे कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर दूसरा पक्ष भी हमें सुन रहा है, अगर आपके पास भी तथ्य हैं, आप चाहते हैं आपके पास तथ्य कि आपने कुछ नहीं किया, तो आप आइए अपना पक्ष लेकर हमारे माध्यम से, हम आपका पक्ष भी जनता को आपका चेहरा भी दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को अपनी जनता से निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, कल को किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, आपकी एक शेयरिंग से उस परिवार को हिम्मत मिलेगी, और ये अधिकारियों तक जब पहुंचेगी वीडियो वो भी सोचेंगे वाकई जनता इस बच्ची के साथ इस परिवार के साथ है। ज़रूर आप अपनी कमेंट राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या वाकई आप इस बच्ची का साथ देंगे, आप इस बच्ची के साथ हैं, इस परिवार के साथ हैं, गरीब माँ हैं और दिहाड़ीदार लोग हैं, गाँव के लोग हैं, नहीं इतने दाव पेश पता है, उसके बाद उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, फिर से बच्ची को जब उसका गर्भपात किया फिर से घर ले जाया गया, अब ना जाने कौन उसके साथ बलात्कार करता था। बच्ची समय डॉक्टर से लिख कर दिया बार बार कि वो स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं है, फिर उसकी मां की स्टेटमेंट हुई, उसी के आधार पर एफआईआर को दर्ज किया गया। हम शुक्रिया करते हैं पुलिस के आला अधिकारी एसपी ब्रिजेश जो रूरल है, और एसएचओ जो वुमेन सेल है मनदीप जी का, और चौकी इंचार्ज जो है पोनीचक विजय जी का। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।